दोस्तों, अगर कोई इंसान बहुत हंसता है तो वो अंदर से बहुत ही अकेला है। अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो वो अंदर से बहुत उदास है। अगर कोई इंसान खुद को बहुत मजबूत दिखाता है और रोता नहीं तो वो अंदर से बहुत ही कमजोर है। अगर कोई इंसान जरा सी बात पर रो देता है तो वो बहुत ही मासूम और नाजुक दिल का है। अगर कोई हर बात पर नाराज हो जाए तो अंदर से बहुत ही अकेला है और जिंदगी में प्यार की कमी महसूस करता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। दो आदमियों से हमेशा होशियार रहो, एक वो जो तुम में वो ऐब बताता है जो तुम में नहीं, दूसरा वो जो तुम में वो खूबी बताए जो तुम में नहीं। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। उसको तन्हा कर गया है मुनफरिद रहने का शौक। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इस दुनिया में रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन उतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर चुका है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। जिंदगी की रफ्तार इस तरह बनाओ कि अगर कोई दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, लेकिन कोई दोस्त पीछे ना छूट जाए। अखलाक एक दुकान है और जबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं, बस हौसले और मेहनत की जरूरत है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जबान नहीं। मत किया कर इतने गुनाह तौबा की आस पर इब्ने आदम। बेतबार सी जिंदगी है, जाने कब मौत आ जाए।